तो अपने वर्चुअलिटी के बारे में न जाने कितनी बार सुना होगा, साथ ही साथ वर्चुअलिटी को कितनी बार काम में लिया होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि एग्यूमेंट रियलिटी क्या होता है और ये कैसे काम करता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि एग्यूमेंट रियलिटी क्या होता है और ये कैसे काम करता है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान ज्योति, आप देख रहे हैं निशान भारत, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जो एग्यूमेंट रियलिटी है वो वर्चुअल रियलिटी से थोड़ी सी डिफरेंट है, इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, मगर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर बात करते हैं कि एग्यूमेंट रियलिटी काम कैसे करता है, तो आपको इसमें एक छोटा ग्लास होता है उसे पहनना पड़ता है, मगर जो एक वर्चुअल रियलिटी उसमें आपको एक बड़ा ग्लास पहनना पड़ता है। मगर एग्यूमेंट रियलिटी ये कई तरह से आते हैं, आपको अगर किसी ग्लास में चाहिए तो ये ग्लास में मिलेंगे, जैसे कि गूगल ग्लास, माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस, ये आपको एग्यूमेंट रियलिटी पर काम करते हैं। मगर कई सारे ऐप भी आते हैं, जैसे कि अगर आईफोन 10 या फिर आईफोन एक्स में देखें तो आपको इसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो आपको एग्यूमेंट रियलिटी का अलग तरीके से आनंद देते हैं। मगर बात करें कि जो एग्यूमेंट रियलिटी है वो काम कैसे करता है, आप अपने फोन में कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एग्यूमेंट रियलिटी का मजा ले सकते हैं, मगर जो काम कैसे करते हैं ये प्रोसेस है, ये आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है उसमें ही आपके सामने जितनी भी स्क्रीन है उसमें आपको ये जितनी भी, मान लो ये कोई स्क्रीन है, यानी कि ये कोई दीवार है, इस दीवार पर जितने भी पॉइंट है जिसे वो ट्रैक कर सकता है उन्हें भी ट्रैक करता है, साथ ही साथ वहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई देता है उन ट्रैकिंग पॉइंट के जरिए। ये होती है उसकी काम करने की प्रोसेस, यानी कि अगर आपके पास ये कोई घर है उसमें अगर आप कहीं पर वो गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस पहनकर आप उसमें कहीं पर कोई अलग विंडो, कहीं पर कोई अलग विंडो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीधा उसके अंदर जाना होगा, उसकी किसी भी फ्रेम को उठाकर आपको वहां पर रखना होगा जहां पर आप उसे रखना चाहते हैं। अगर आप किसी दूसरे कमरे में आते हैं तो वो फ्रेम उसी कमरे में रहती है, और जब आप वापस उसी कमरे में आते हैं तो आपको वहीं पर वो फ्रेम दिखाई देती है। और बात करते हैं कि वर्चुअल रियलिटी और एग्यूमेंटेड रियलिटी में डिफरेंस क्या है। जो वर्चुअल रियलिटी उसमें आपको चारों तरफ घूमकर देखना होता है, मगर जो वर्चुअल रियलिटी है उसमें आपको साथ ही साथ जो आस पास के जितने भी इंसान खड़े हैं वो आपको नहीं दिखाई देते, मगर एग्यूमेंटेड रियलिटी में आपको ऐसा नहीं होता। आप एग्यूमेंटेड रियलिटी में सामने आप स्क्रीन चल रही है, आप लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई और इंसान खड़ा है, एग्यूमेंटेड रियलिटी जो नॉर्मल लाइफ रहती है उसकी तरह से होता है। आप इसके अंदर किसी दूसरे इंसान से बात भी कर सकते हैं, यानी कि आपके सामने कोई इंसान खड़ा है तो आप उससे बात करते करते इसका मजा ले सकते हैं, मगर वर्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आप वर्चुअल रियलिटी में किसी दूसरे की स्क्रीन नहीं देख सकते, सिर्फ आप वो काम कर सकते हैं जो आप उसके अंदर चला रखे हैं। मगर एग्यूमेंटेड रियलिटी में आपको जो बाहर का जो पर्यावरण है या फिर कोई और चीज़ है, किसी इंसान से बात करें वो दिखाई देगा, साथ ही साथ आपको आप जो उसमें कोई चला रखा है वो भी दिखाई देगा। ये थी एग्यूमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में, जो उम्मीद आपको पता चल चुका होगा एग्यूमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में क्या अंतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।